अब पोस्ट कॉम में आपको जो शेड कार्ड के जो नेचुरल की जो सीरीज है उसको एक्स के साथ शो किया हुआ है। उसके बाद पी की सीरीज आते है, ये कॉलम आपको नजर आएगा पी की सीरीज का नजर आएगा, ठीक है। इसमें टोटल चार कलर हैं, एक P7 है, अगर मैं इसको ऐसे करके देखूं तो आपको नजर आ रहा होगा ये पर्ल का शेड है, P7 पर्ल का शेड है। फिर उसके बाद P3 है, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा गोल्डन, गोल्डन का शेड है, ठीक है। फिर ये P1 है, इसको अगर मैं इस तरीके से करूं तो आपको नजर आएगा ये सिल्वर है। और ये P0 है, P0 जो है ये वाइट है, ठीक है, ये वाइट कलर है। अच्छा, अब ये पी की सीरीज क्या चीज है? पी की सीरीज बेसिकली हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उस वक्त, ये डायरेक्ट लिफ्टिंग के कलर्स हैं। अगर मैं आप इसको मैंने क्लोज लेती हूँ एक मिनट, ये अगर जूम हो जाता है फिर तो प्रॉपरली इसको आपको दिखा सका, तो ये लिखा हुआ होगा ये इंटेंसिफायर्स हैं, यानी आपने किसी कोई रिजल्ट लेना है उसका इंटेंस रिजल्ट देना है उसके लिए यूज कर सकते हैं, ये डायरेक्ट लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लीच के बाद आप इनको एज ए टोनर्स विद 20 वॉल्यूम आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको एग्जैक्टली यही P7 का रिजल्ट मिलेगा, यानी आपने लेवल 10 तक ब्लीच की और उसके बाद P7 अप्लाई किया 20 वॉल्यूम के साथ, तो आपको एग्जैक्टली ये रिजल्ट मिलेगा। आपने ब्लीच के बाद P3 इस्तेमाल किया तो आपको एग्जैक्टली 20 वॉल्यूम के साथ, तो ये आपको यही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये आप जो है ये लेवल जो ब्लीच का है वो 10 तक का लेवल हो। फिर इसी तरीके से ब्लीच के बाद आप P1 इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, और ब्लीच के बाद जब आप ये P0 इस्तेमाल करेंगे ये रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ उसी कलर को मजीद लाइट कर देगा, जो भी ब्लीच के बाद शेड आया होगा उसको मजीद लाइटर टोन पे ले जाएगा। पी की सीरीज को हम और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक और चीज़ आपको बतानी थी कि पी की सीरीज जब भी आप इस्तेमाल करें इसको आपने डबल क्वांटिटी डेवलपर की इस्तेमाल करनी है, यानी अगर आप 60 ml की ट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं पी की सीरीज की तो आपने उसकी 120 ml आपने डेवलपर इस्तेमाल करना है। और जब हम इसको डायरेक्ट लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो P7 या P3 या P1 या P0 जब आप इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट लिफ्टिंग के लिए तो आपने 40 वॉल्यूम के साथ इस्तेमाल करना है, और 40 वॉल्यूम जो है वो भी डबल रेशो इस्तेमाल होगी, यानी अगर 60 ml की ट्यूब है तो 120 ml आपने 40 वॉल्यूम इस्तेमाल करना है। और एक और चीज़ के रूट्स पे कभी भी आप 40 वॉल्यूम नहीं इस्तेमाल करेंगी, आप 20 या 30 के साथ काम करेंगी, ये आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दे देगा। पी की सीरीज को इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं हिना ट्रीटेड हेयर पे। अगर आपके पास क्लाइंट आया है मेहंदी वाला बाल है और वो नहीं चाहता, ब्लीच नहीं करवाना चाहता, ब्लीच वॉश नहीं करवाना चाहता, तो फिर आप पी की सीरीज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं विद 40 वॉल्यूम बालों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा 6 और 7 का रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा पी की सीरीज को आप पहले से डाई हुआ हुआ बाल है, सिंथेटिक कलर उसने इस्तेमाल किया हुआ है, तो आप इसी तरीके से 40 या 30 वॉल्यूम के साथ इस्तेमाल करके कलर को लिफ्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप कलर की एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये पी की सीरीज के हमारे पास जो मैंने आपको बता दिए हैं, मैं रिटर्न फॉर्म में भी, ये वीडियो में भी है और फिर मैं इसके साथ रिटर्न फॉर्म में भी आपको सेंड करती हूँ।